अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। आज हम बनाने जा रहे हैं साग। इसकी तरकीब कुछ इस तरह से है कि हमने एक किलो साग लिया है, ये धो के साफ़ करके देखें इस तरह से हमने काट लिया है इसको। और एक किलो ही हमने पालक लिया था, ये भी हमने धो लिया है, साफ़ कर लिया है बिल्कुल। और एक आधा किलो हमने बथुआ लिया है, लोग बाथू भी कहते हैं इसको। 6 हरी मिर्चें हैं, 4 अदरक अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 चम्मच नमक है। अदरक लहसुन वैसे मैंने चॉप करके रखा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कितना है। एक जग के करीब मैंने पानी गर्म कर लिया है, उसमें पहले मैं साग, पालक और बथुआ सब चीज़ डाल दूंगी। और इसको हम सिर्फ 5 मिनट के लिए पानी में उबाल देंगे। पानी वैसे गर्म है हमारा, उबाल आ रहा है पानी में। 5 मिनट के लिए इसको उबालेंगे और इस पानी को हम रिमूव कर देंगे। ये सब चीज़ें हम डाल रहे हैं इसमें। हम बथुआ भी इसी में ही डाल देंगे। जब हम इसे चम्मच से चलाएंगे, चमचे से जब हम इसे चलाएंगे, तो ये सब चीज़ें नीचे पानी में डीप हो जाएंगी, इसीलिए इसी भगोने में हम सब चीज़ें डाल रहे हैं। बहुत आसान तरकीब से हम बना रहे हैं, तो आप इसको शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ आए। ये देखें, अब इसे जब हम चम्मच से ऐसे चमचे से कर रहे हैं तो ये सब नीचे चली जाएगी पानी के अंदर। अब इसका पानी हम निकाल देंगे। ये देखें, हमने भगोने में वापस डाल दी हैं सब चीज़ें। और ये 6 हरी मिर्चें जो हमने ली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट था और नमक हमने लिया था 2 चम्मच, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और तकरीबन 3 गिलास पानी हम इसमें डाल रहे हैं अब, और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। उबाल आने के बाद हम इसका चूल्हा हल्का कर देंगे और ये इस तरह से उबलता रहेगा 1 से 1.5 घंटे। फिर हम इसको घोटेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसे घोटेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छा बेहतरीन एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए। ये हमने देसी घी लिया है, इसके अंदर हमने 1 पाव टमाटर हैं और 6 हरी मिर्चें और ली हैं हमने अलग से, और इनको अच्छे से भून लेंगे। पानी नहीं डालना है, बस ऐसे ही हम इसे भूनेंगे। टमाटर के पानी खुद टमाटर अपने पानी में गल जाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये भुन गए हैं। और ये भुने हुए टमाटर जो बिल्कुल पेस्ट सा बन गया है, ये हम साग में डाल रहे हैं और इसे डाल के भी हम बहुत अच्छी तरह से साग को घोटेंगे। असल जो चीज़ है वो साग की घुटाई है। ये देखें, इस तरह से इसको घोटेंगे। ये हमने 4 चम्मच, बड़े वाले 4 चम्मच जो डिश के चम्मच होते हैं, वो हमने आटा लिया है, तो ये हम इसमें डाल रहे हैं। अमूमन लोग बेसन भी डालते हैं इसमें, हमने बेसन नहीं डाला है, आटा लिया है। तो ये डाल के हम इसे बहुत अच्छे से और घोटेंगे। ये देखें, ये बेहतरीन घुट चुका है आपके सामने।
आधी प्याली हमने देसी घी लिया है, पहले भी आधी प्याली लिया था और अभी फिर आधी प्याली घी हमने लिया है, देसी घी है। इसमें लहसुन की 2 पोथी हमने बारीक काटी थी और अदरक तकरीबन 4 इंच के करीब अदरक थी वो हमने काटी थी बिल्कुल बारीक। और ये हम इसको भंगार लगाएंगे, ये देखें ये लाल हो चुकी हैं दोनों चीज़ें और ये हम भंगार लगा दिया हमने इसको। ये हमारा साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये ऊपर से हमने इसमें मक्खन डाला है, घर का ताज़ा मक्खन है, आप चाहें तो बाज़ार का बटर भी ले सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।